का नाम जो है कात्यायनी जो है नाम रखा, तो इसके लिए सब लोगों को धन्यवाद। और आप सब लोग आज जान रहे हैं, मुख्यमंत्री जी ने विस्तार से बताया कि आज कैबिनेट की बैठक हुई और एक बड़ा निर्णय लिया गया। हम माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहेंगे, ऊर्जा मंत्री को धन्यवाद देना चाहेंगे और ये महागठबंधन की सरकार, ताकि गरीबों पर, किसानों पर जो बिजली की महंगाई की मार ना पड़े, इसलिए बिहार सरकार महागठबंधन सरकार ने निर्णय लिया कि 13,000 करोड़ की सहायता हम लोग जो है कर रहे हैं। 13,000 समझिए एक बड़ा रकम होता है, क्योंकि बिजली जो है बढ़ा है, उसका रेट जो है बढ़ा है और ये केंद्र सरकार जो है वो बताएगी क्यों बढ़ाती है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक अच्छी बात कही कि भाई एक टैरिफ होना चाहिए, वन नेशन वन टैरिफ की। आप जो है जो गुजरात का उन्होंने आंकड़ा दिया, महाराष्ट्र का आंकड़ा दिया, जो देश के सबसे अमीर राज्य हो, आप वहाँ जो है सस्ता रेट तय करते हैं और जो गरीब राज्य बिहार जो है आप वहाँ उसको महंगा रेट आप जो है दे रहे, तो जाहिर से तौर पे महंगाई बढ़ेगी। लेकिन ये सरकार गरीबों के बारे में, महागठबंधन की सरकार हम लोग सोचते हैं, इसलिए हम लोगों ने निर्णय लिया कि भाई गरीबों पर और ख़ास तौर पे अब इस पर तो किसी का भार नहीं पड़ेगा, चाहे इंडस्ट्री हो, छोटा व्यवसाय हो, चाहे आपका आप जानते हैं राइस का हो गया या आटा का मशीन, जो छोटा मोटा व्यापार है उसका बिजली का बिल में भी कोई प्रभाव नहीं रहेगा, पहले के हिसाब से जो था वही रहे। तो इतना बढ़ने के बाद भी हम लोग जो है अपने बलबूते बिहार कर रहा है, इसलिए तो हम लोग बार बार इस मांग को उठाते रहे कि भाई बिहार जैसे राज्यों को स्पेशल राज्य का स्टेटस मिलना चाहिए। अब यहाँ कूद कूद करके लोग आता है केंद्र मंत्री, और यही भाजपा वाले लोग इतना एमपी जिता करके भेजा, कितना लोग मंत्री बना, लेकिन बिहार के बारे में लोग नहीं सोचते। तो बिहार के साथ तो सौतेला व्यवहार किया ही जा रहा है। अब आप समझिए कि अगर जो रेट गुजरात का दे रहा है अगर बिहार को अगर मिलने लगे, तो बिहार कोई ज़मीन तो है नहीं, समझे कि इंसान जो बिहार के लोग हैं उन लोगों का ही ना सस्ता होगा, तो बिहार एक बिहारी का बिजली जो है और घटेगा, सब मिलाकर के ना जो रहने वाले बिहार के, तब ना बिहार बनता है, नहीं तो खाली ज़मीन का क्या मतलब है। तो कोई मदद बिहार के लोगों के लिए ना हम कह रहे हैं कि भाई करो, कोई खाली ज़मीन के लिए तो नहीं, तो इसलिए हम लोगों का ये मांग है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़े विस्तार रूप से और बड़े सरल भाषा में इस बात को रखा है। देश के गृह मंत्री आ रहे हैं लगातार पिछले, अब आते रहे जाते रहे, आप लोग जा रहे हैं, इसे कैसे देखते हैं अचानक? इसमें तो आप सब जानते ही नहीं कि क्या हो रहा है देश भर, क्या लोग कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। और इस पर तो हमने पहले भी अपनी प्रतिक्रिया जो है वो दे दी, और समय जो है सबका आता है, समय जो है और सबको सबक सिखाएगा। मोदी इन फेक एनकाउंटर केस, देन वाई आर द अपोजिशन लीडर्स मेकिंग यू एंड क्राई व्हेन दे आर बीइंग इन्वेस्टिगेटेड? I haven't seen his statement as you've been saying. Okay, right. But I understand. But what he had said, that some, I don't know whether it is true or not. But he had used this word pressurized. That means right now they also pressurizing the agency. What does it mean? That all those investigation agency of this country is not doing a fair investigation? तो इस पर ज़्यादा कुछ हमको कहना नहीं है। हालांकि
आज बड़ा दिन है, बिहार के लोगों को इतना बड़ा तोहफा माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है, इसके लिए सभी लोगों की तरफ से बहुत धन्यवाद।